सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा नाहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया है। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट का ताहयात नाहली का फैसला कलदम करार दिया गया है। जस्टिस उमर अताबंदियाल की तहरीर करदा फैसले में कहा गया कि फैसल वाडा मौजूदा असेंबली की मुद्दत तक नाअहल तसव्वुर होंगे, तहम आइंदा इंतखाबात लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल नाअहल करने का इख्तियार नहीं। कानून की नजर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। फैसले के मुताबिक फैसल वाडा ने बताया कि 25 जून 2018 को शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट मिला। उन्होंने तस्लीम किया कि उनसे गलत बयानी हुई, वो 2018 में मेंबर असेंबली बनने के लिए अहल नहीं थे। गलती तस्लीम करने पर आईन के आर्टिकल 63(1)(c) का इतलाक होता है। अदालत ने फैसल वाडा को सेनेट की नशस्त से मुस्ताफी फौरी चेयरमैन सेनेट को भिजवाने का हुक्म दिया है।